सर वी नीड टू डू समथिंग, सुमो ने हमारा बुरा हाल कर दिया, हमारा पूरा मार्केट शेयर खत्म कर दिया है। अरे क्या है, कौन सा सुमो? जाके फिर खली को भेजना इसे बीट करने के लिए। सर टाटा सुमो, वो वाला सुमो नहीं, अब ये कौन सा सुमो आ गया? ऐसे कुछ हुआ था महिंद्रा के हेडक्वार्टर्स में जब टाटा मोटर्स ने अपनी सुमो को लॉन्च किया था। सब लोग पैनिक कर गए थे और पैनिक में इस ब्रांड ने बना दी अपनी बलेरो, जो कि आने वाले सालों में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई कि इस गाड़ी की डिमांड श्रीलंका, पेरू, केन्या, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज में भी है। ये गाड़ी ऑलमोस्ट 5 डिफरेंट वर्जन में आती है, हर एक वर्जन में सेल करती है। और इसी गाड़ी की वजह आज हमें टाटा सुमो हमारे इंडियन रोड्स पे दिखी, क्योंकि आप आओ 1990s में जब महिंद्रा अपनी अर्माडा को इंडिया में बढ़िया सेल कर रहे थे 4.7 लाख रुपीस एक शोरूम इंडिया के प्राइस में, जो कि किसी भी सेंस में सस्ता था नहीं और काफी कम लोग इस गाड़ी को अफोर्ड कर पाते थे। तो इसी टाइम में टाटा मोटर्स भी अपने एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसमें प्लेटफॉर्म टाटा टेल्को लाइन का होगा, लेकिन आपको बहुत ही बड़ा साइज मिलेगा, ऑलमोस्ट 10 बंदों को बिठाने की जगह मिलेगी। और 1994 में टाटा मोटर्स लॉन्च कर दिए अपनी सुमो को इंडिया में 3.1 लाख रुपीज एक शोरूम इंडिया के प्राइस में। तो गाड़ी महिंद्रा अर्माडा से ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए सस्ती थी, पर अर्माडा में आपको 8 बंदों को बिठाने की जगह मिलती थी, इस गाड़ी में 10 बंदों को आपको बिठाने की जगह मिलती थी। इसमें ज्यादा बड़ा इंजन था, ज्यादा बड़ा साइज था और ज्यादा बढ़िया रोड प्रेजेंस थी। और इंटीरियर में प्रॉपर आपको अमेनिटीज मिलती थी, जो कि कोई और गाड़ी ऑफर भी नहीं करती थी इंटीरियर मार्केट में उस टाइम में। तो भाई कोई बंदा क्यों ही अर्माडा को लेगा, टाटा सुमो एक ज्यादा बड़ा वेल फिनिश्ड प्रोडक्ट है। लोग इसके पीछे बावले हो गए और 3 साल के अंदर अंदर इस गाड़ी की 1 लाख यूनिट्स इंडियन मार्केट में बिक गई, जो कि आजकल की कार्स अचीव नहीं कर पाती, इस गाड़ी ने उस टाइम अचीव कर लिया। महिंद्रा की सेल्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई, तो महिंद्रा के चीफ उस टाइम के पवन गोयनका ने 2 डिजाइनर्स को हायर करा और 20 करोड़ रुपए का बजट दिया कि जल्दी से जल्दी एक नई मल्टी यूटिलिटी व्हीकल को बनाओ ताकि हम इस टाटा सुमो को बीट कर पाए। इस सुमो ने तो भाई हमें दबा दिया अपने भार के अंदर अंदर। इन डिजाइनर्स ने बहुत मेहनत करी, ऑब्वियसली भाई करनी पड़ेगी, सिर्फ 2 बंदे मिलकर एक गाड़ी को बना रहे हैं और हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लो भाई, काफी मजे आ रहे हैं, हमारी कम्युनिटी ग्रो हो रही है। तो ऑब्वियसली फिर साल 2000 में महिंद्रा लॉन्च करते हैं अपनी बलेरो को इंडिया में 4.9 लाख रुपीज एक शोरूम इंडिया के प्राइस में, जो कि अगर आप देखें एकदम सेम है एज कम्पेयर टू उस टाइम की टाटा सुमो। इसमें आपको थोड़ी बढ़िया पावर मिलती थी एज कम्पेयर टू सुमो और आपको थोड़ा बढ़िया कंफर्ट मिलता था, क्योंकि ये पहली इंडियन एसयूवी थी जिसमें फ्रंट इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आती थी। तो लोगों ने इस गाड़ी को पसंद करा, पर दोस्तों ऐसे कुछ ड्रास्टिक शिफ्ट नहीं आ गया सुमो की सेल्स में। लोग सुमो को भी अभी खरीद रहे थे और महिंद्रा बलेरो को भी कंसिडर कर रहे थे, पर दोस्तों दिक्कत आना शुरू हुई 2002 में जब महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो को इंडिया में लॉन्च कर दिया 5.25 लाख रुपीज के प्राइस में। तो अब दोस्तों अगर आप कंज्यूमर के दिमाग से देखें तो 5 लाख रुपए में उन्हें बलेरो मिल रही है जो कि डिसेंट एसयूवी है, पर 25,000 रुपए और खर्च के उन्हें महिंद्रा स्कॉर्पियो मिल रही है जो कि एक ऊपर वाले सेगमेंट में आ रही है जिसमें आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, आपको ज्यादा बढ़िया क्वालिटी मिलती है और आपको ज्यादा बढ़िया मजे मिलते हैं। तो ऑब्वियसली भाई कोई बंदा क्यों ही लेगा बलेरो को, हर एक बंदा स्कॉर्पियो की तरफ जाने लग गया। बलेरो की सेल्स काफी ज्यादा डिप करना शुरू हो गई, क्योंकि आप खुद बताओ दोस्तों, मान लो आपको 5 लाख रुपए देके बलेरो मिल रही है, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देके आपको स्कॉर्पियो मिल रही है, तो आप भाई देखोगे भी क्या बलेरो की तरफ? भाई मैं तो थूकूंगा मेरी बलेरो की तरफ, स्कॉर्पियो निकालूंगा, बढ़िया टोराबाजी करूंगा। तो इसलिए दोस्तों हर एक बंदे ने यही करा, तो महिंद्रा दोबारा अपने ड्रॉइंग बोर्ड पे गए और बलेरो की पोजीशनिंग में काम करना शुरू करा। और 2006 में फिर बलेरो को एकदम नई तरीके से मार्केट करना शुरू कर दिया, इसमें स्कॉर्पियो को इस ब्रांड ने ज्यादा एक सिटी ओरिएंटेड और ज्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड गाड़ी की तरह मार्केट करा, जिसमें आपको बढ़िया लग्जरी मिलती है और आपको बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। वही बलेरो को इस ब्रांड ने ज्यादा कमर्शियल ओरिएंटेड और ज्यादा यूटिलिटेरियन गाड़ी की तरह मार्केट करा, जो कि ज्यादा काम के लिए बनी है, पैसे कमाने के लिए बनी है। महिंद्रा स्कॉर्पियो अगर आप लेते हैं तो आपके पैसे खर्च होंगे, महिंद्रा बलेरो अगर आप लेते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, ओ माय गॉड। जिसकी वजह से 2002 से लेकर 2006 के बीच में महिंद्रा स्कॉर्पियो का प्राइस महिंद्रा ने ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज कर दिया था, वही बलेरो का प्राइस सिर्फ 10% इंक्रीज करा था, क्योंकि भाई ज्यादा सस्ती बनानी है ना गाड़ी ताकि हर एक फ्लीट ओनर इस गाड़ी को खरीद पाए। साथ ही में इस गाड़ी का कैंपर वर्जन भी लॉन्च करा, जो कि इसका पिकअप वर्जन है, जिसमें आपको 2 डोर और 4 डोर वाले वर्जन मिलते हैं, जो कि और ज्यादा पसंद आए कमर्शियल व्हीकल ओनर्स को और फ्लीट में ऐड करना शुरू करा। वही दोस्तों अगर आप देखिए टाटा मोटर्स ने एकदम अलग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी अपनी सुमो के लिए। टाटा मोटर्स अभी भी अपनी सुमो को एक ज्यादा सिटी ओरिएंटेड और ज्यादा लाइफस्टाइल ओरिएंटेड व्हीकल के तौर पे मार्केट कर रहे थे, कि जहां पे आप बढ़िया अपने 10 बंदों को बिठा सकते हैं इस गाड़ी के अंदर, बढ़िया इस गाड़ी को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और बढ़िया मजे कर सकते हैं। पर दोस्तों इसमें दिक्कत क्या थी कि सफारी भी इस ब्रांड की आती है कुछ एक्स्ट्रा प्राइस में ही, जिसमें आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, आपको ज्यादा बढ़िया लुक्स मिलती है। और वही इस ब्रांड की सुमो भी आती है जो कि टाटा मोटर्स सेम तरीके से मार्केट कर रही है और सेम मार्केट में प्रेजेंट कर रही है। तो दोस्तों लोगों के पास कोई इंसेंटिव था नहीं सुमो को लेने का एज कम्पेयर टू सफारी, क्योंकि सफारी का ब्रांड भी बड़ा है, सुमो का इतना कुछ ब्रांड भी नहीं है। इसी पे टाटा मोटर्स ने और ज्यादा डबल डाउन कर दिया और अपनी सुमो ग्रैंडे को लॉन्च करा 2008 के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ी साइज की एक सुमो का थोड़ा सिटी ओरिएंटेड वर्जन था, जिसमें आपको सामने लैंड रोवर वाली लुक्स मिलती थी, साइड में बहुत ही बड़े बड़े दरवाजे थे साबुन की टिक्की जैसे, और पीछे आपको बहुत ही बद्दी लुक्स मिलती थी। नॉर्मल सिटी ओरिएंटेड कस्टमर्स जिनको टाटा मोटर्स टारगेट कर रही थी उन सब ने इस गाड़ी को लिया नहीं। इसलिए अगर आप देखिए 2014 की सेल्स फिगर, तो एक सिंगल साल में टाटा मोटर्स ने अराउंड 14,000 टाटा सुमोस को बेचा था, जो कि बहुत ही कम है इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट के हिसाब से। वही महिंद्रा ने अपनी बलेरो की 1 लाख यूनिट्स बेची थी इसी सिंगल साल में, तो ऑलमोस्ट 6 गुना का डिफरेंस आ गया सेल्स फिगर में।
बस इसलिए क्योंकि टाटा मोटर्स ने मार्केटिंग में ज्यादा सिटी ओरिएंटेड दिखाया अपनी गाड़ी को, वही महिंद्रा ने अपनी बलेरो को ज्यादा ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड और ज्यादा कमर्शियल व्हीकल पर्पस के तौर पर दिखाया। बस मार्केटिंग से दोस्तों आप देख लो इतना फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों दो रीजन भी थे कि लोग काफी फेड अप हो गए थे टाटा मोटर्स की अनरिलायबल इंजन से और बैड कस्टमर एक्सपीरियंस से, जिसपे महिंद्रा ने फोकस करा क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ियों में ट्रक वाले इंजन को यूज नहीं करा जो कि टाटा मोटर्स करे थे, और साथ ही में थोड़ा ज्यादा फोकस करा कस्टमर एक्सपीरियंस में। अभी भी अगर आप देखें महिंद्रा का कुछ कस्टमर एक्सपीरियंस खास था नहीं, पर टाटा मोटर्स से बढ़िया था तो उनकी सेल्स बढ़िया होने लग गई। आने वाले सालों में अगर आप देखें तो टाटा सुमो की सेल्स और कम होते गई। 2015 में इस गाड़ी की 10,000 यूनिट्स बिकी, वही महिंद्रा बलेरो की ऑलमोस्ट 90,000 यूनिट्स बिकी। पर दोस्तों इसके बाद ही महिंद्रा वाले एक नया सिक्सर मारते, एक नया होम रन मारते हैं जो कि टाटा मोटर्स कभी सोच भी नहीं सकते थे, जिसकी वजह से महिंद्रा एक अनडिस्प्यूटेड किंग बन गई। जिसमें हमारी इंडिया की सरकार ने 2008 में जापान को देके एक 4 मीटर लॉ को इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें कोई भी गाड़ी जिसकी लेंथ 4 मीटर से कम की है और इंजन साइज 1.5 लीटर से छोटा है पे टैक्सेस कम लगेंगे एज कम्पेयर टू दूसरी गाड़ियां जिनकी लेंथ 4 मीटर से ऊपर की है और इंजन साइज 1.5 लीटर से बड़ा है, ताकि इंडिया में जो पर कार साइज से छोटा रहे, ट्रैफिक जाम्स कम हो और साथ ही में क्योंकि इंजन साइज भी छोटा है तो इसलिए पॉल्यूशन कम फैलाए गाड़ियां और हर एक बंदे को सस्ते में गाड़ी मिल पाए। इस वाले लॉ का बेनिफिट अभी तक सिर्फ हैचबैक्स और छोटी सेडान्स के पास ही आ रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट कोई भी एमयूवी या फिर एसयूवी की लेंथ 4 मीटर से कम की थी नहीं। महिंद्रा बलेरो की लेंथ 4.1 मीटर की थी, टाटा सुमो की लेंथ 4.2 मीटर की थी, तो इनपे काफी ज्यादा हाई टैक्सेस लग रहे थे। पर फिर दोस्तों 2016 में महिंद्रा ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि वो एक नई बलेरो पे काम कर रहे हैं जिसकी लेंथ 4 मीटर से कम की होगी, जिसकी वजह से इस गाड़ी पे कम टैक्सेस लगेंगे और महिंद्रा बढ़िया सस्ते में इस गाड़ी को बेच पाएंगे। महिंद्रा अपने डिजाइन बोर्ड पे गए और अपनी बलेरो के सामने के और पीछे की बंपर्स की लेंथ को रिड्यूस कर दिया, ओवरहैंग्स की लेंथ को रिड्यूस कर दिया, दरवाजों की थोड़ी लेंथ को रिड्यूस करा और गाड़ी की लेंथ को ऑलमोस्ट 1.7 मीटर से रिड्यूस कर दिया। वहीं पहले इस गाड़ी में जो 2.5 लीटर का डीजल इंजन था उसको हटा के एक 1.5 लीटर का इंजन डाल दिया जो कि उनकी बाकी और सारी कार्स में आ रहा है, जो कि रिलायबल भी है, ज्यादा पावरफुल भी है और ज्यादा बढ़िया फ्यूल एफिशिएंट भी है। और लॉन्च कर दी अपनी बलेरो पावर प्लस इंडिया में 2016 में ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए प्राइस रिड्यूस करके, 7.5 लाख रुपीस का ऑलमोस्ट प्राइस था पहले, डायरेक्टली 1 लाख रुपए से रिड्यूस हो गया और 6.6 लाख रुपीस के प्राइस में अब बलेरो आ रही थी। अब दोस्तों अगर आप देखें महिंद्रा के पास हर एक एडवांटेज है, उनकी गाड़ी सस्ती भी ज्यादा है और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है, ज्यादा रिलायबल भी है, तो भाई सुमो वालों को और ज्यादा बुरा हाल हो गया। टाटा मोटर्स को भी अपनी सुमो का प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा, पर कभी भी वो बलेरो का प्राइस मैच नहीं कर पाए इसके बाद, क्योंकि भाई ऑलरेडी महिंद्रा को 1 लाख रुपए बच रहे थे पर गाड़ी टैक्सेस में, तो भाई इतने तो टाटा मोटर्स के मार्जिन भी नहीं थे, वो कैसे प्राइस को रिड्यूस कर दे। महिंद्रा ने इस वाली मार्केट को और ज्यादा खा लिया और फिर इंडिया में आने वाले सालों में BS6 नॉर्म्स वगैरह इंप्लीमेंट होना शुरू हो गए। टाटा मोटर्स का जो इंजन था इस गाड़ी में 3.0 लीटर का डीजल, वो इंजन ट्रक्स वाला इंजन था और इस वाले इंजन को अगर अपग्रेड करना था BS6 में तो बहुत ही खर्चा होता। टाटा मोटर्स ने फाइनली अपनी सुमो और सुमो ग्रांडे को कॉल ऑफ कर दिया 2019 में, पर क्योंकि महिंद्रा बलेरो में 1.5 लीटर डीजल आता था जो कि महिंद्रा की बाकी सारी और कार्स में भी यूज हो रहा है, तो महिंद्रा को तो ये वाला इंजन अपग्रेड करना ही था, तो उन्होंने बाकी गाड़ियों के लिए अपग्रेड करा, बलेरो के लिए ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो ही गया और बढ़िया आज भी बलेरो बिक रही है और अनडिस्प्यूटेड किंग है इस वाले सेगमेंट की। और किंग सिर्फ ये गाड़ी इंडिया की नहीं है, बाहर की भी है, जिसमें श्रीलंका ने पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 1400 बलेरो को इम्पोर्ट करा है अपनी मिलिट्री और नॉर्मल सिविलियन पर्पस के लिए। केन्या में ऑलमोस्ट 200 बलेरो इम्पोर्ट हुई है, पेरू में ऑलमोस्ट 100 बलेरो इम्पोर्ट हुई है, साउथ अफ्रीका में भी ऑलमोस्ट 100 बलेरो इम्पोर्ट हुई है, तो बाहर के लोग भी इस गाड़ी को पसंद कर रहे हैं और भले कम नंबर्स में इम्पोर्ट कर रहे हैं पर तब भी भाई काफी बड़ी बात है, एक स्टैंडर्ड इंडियन गाड़ी जो कि 20 साल पुरानी है बाहर के लोगों को पसंद आ रही है और वो इस गाड़ी को अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल कर रही है, और इस्तेमाल भी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इस गाड़ी के एक सिंगल वर्जन ही आता है, इसके मल्टीपल वर्जन आते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो नॉर्मल बलेरो जो हमारे पास आती है, फिर इस गाड़ी का एक पिकअप वर्जन आता है जिसमें आपको पीछे बहुत ही बड़ा डेक मिलता है, तो कमर्शियल व्हीकल ओनर्स इस गाड़ी को बहुत पसंद कर रहे हैं। इसके बाद इस गाड़ी का एक डेजर्ट सफारी वाला वर्जन भी आता है, जिसमें से जो होता नहीं ऐसे सवाना वगैरह में जाके जो लोग ऐसे लायन सींग करते हैं उस वाले पर्पस के लिए भी एक बलेरो का वर्जन आता है। इस गाड़ी का एक एम्बुलेंस वाला वर्जन भी आता है, इस गाड़ी का एक फायर ब्रिगेड वाला वर्जन भी आता है। इस गाड़ी का लिटरली कोई भी अगर आपको वर्जन चाहिए ना, महिंद्रा बना के दे देंगे, बस आप उनके मुंह में पैसे मारो। और इस सब की वजह से इस गाड़ी का ब्रांड नेम इतना ज्यादा सॉलिड हो गया कि अभी महिंद्रा की TUV 3W आती थी, हम सबको पता है उसकी सेल इतनी कुछ खास थी नहीं। महिंद्रा ने एकदम से पता नहीं क्या दिमाग में आया उनके लॉकडाउन के बीच में, क्यों ना भाई हम अपनी TUV 3W ले, उसके सारे बैच वगैरह हटा दे, बलेरो को ठप्पा लगा दे, वाह क्या पता कुछ हो जाए। और सही में हो भी गया भाई, एकदम से इस गाड़ी की सेल्स बढ़ गई, लोग इस गाड़ी को पसंद कर रहे हैं भाई, समझ नहीं आ रहा क्यों। सेम गाड़ी बस डिफरेंट ब्रांड नेम से बिक रही है और ज्यादा बढ़िया बिक रही है एज कम्पेयर टू पहले, कोई डिफरेंस नहीं है गाड़ी में, जो कि बहुत ही बड़ी बात है भाई। और महिंद्रा मेरे ख्याल से काफी ज्यादा लकी है कि उनके पास दो ऐसे ब्रांड है, स्कॉर्पियो और बलेरो, जिन पे इंडियंस का इतना ज्यादा ट्रस्ट है कि वो 20 साल पुराने वर्जन भी बेच पा रहे हैं अभी तक और उसी नाम से 2-3 वर्जन बेच पा रहे हैं अपनी गाड़ी के और सारे वर्जन बिक रहे हैं, तो महिंद्रा इज वेरी लकी। आई डोंट थिंक सो एनी अदर कार ब्रांड हैज ब्रांड नेम लाइक दिस। और अगली वीडियो टाटा सुमो पे आ रही है, उसके लिए लाइक कर लो भाई, 20 लाइक्स होंगे ना, बढ़िया वीडियो आ रही है उस पर।